यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है ये जो है टीवी से कनेक्टेड हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं मोबाइल में कुछ भी कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी में यूट्यूब ओपन हो चुका है। इसी तरह से मैं कुछ भी करूँगा मेरे मोबाइल में तो वो यहाँ पर सीधा जो है टीवी में दिखाई देगा। मेरा जो मोबाइल है वो टीवी से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में आपके लिए जो है कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप किसी भी मोबाइल को टीवी से कनेक्टेड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, क्या करना है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में डिटेल्स में बताई। इस वीडियो को आप पूरा देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किसी वीडियो को या फिर कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर सीधा वो हमारा जो है टीवी में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कैसे करना है तो ये सारी जानकारी डिटेल्स में बताइए। इस वीडियो को आप पूरा देखें। अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को एंड्रॉयड टीवी से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपके लिए जो है यहाँ पर मैं ये क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ये बंद कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी ये टीवी चल चुकी है। तो आपके लिए क्या करना है टीवी कनेक्ट करने के लिए कि अपना जो मोबाइल है मोबाइल में आपके लिए जो है ये जो ऐप्स है ये आपके लिए अब बाई डिफॉल्ट देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन कास्ट ये ऐप्स है। तो आपके लिए क्या करना है कि अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर मैं मोबाइल की सेटिंग को ओपन करता हूँ। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके लिए सर्च करना है स्क्रीन कास्ट। यहाँ पर ये ऐप्स आ जाएगा स्मार्ट स्क्रीन कास्ट, तो यहाँ पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका जो वाईफाई है उससे आपकी टीवी कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो हॉटस्पॉट है इससे अभी जो है ये चार डिवाइस कनेक्टेड है, तो इसी के साथ ही चार डिवाइस में मेरे जो है टीवी भी शामिल है, तो आपकी टीवी भी जो है कनेक्टेड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं वायरलेस डिवाइस टीवी का नाम है। अब आपके लिए क्या करना है, आपकी टीवी जो है आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुकी है। अब आपके लिए एंड्रॉयड टीवी पर क्लिक कर देना है, आपका टीवी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और स्टार्ट नाउ पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी लिखा है, ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अब हमारा मोबाइल जो है टीवी से कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो भी कुछ करेंगे वो हमारा जो है टीवी में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मोबाइल को अपनी एंड्रॉयड टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपके लिए जो है किसी भी ऐप्स को डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके लिए जो है ये जो ऐप्स है ये जो है आप सभी मोबाइल में देखने को मिलता है स्क्रीन कास्ट। अगर आपके लिए देखने को नहीं मिले तो आप जो है ये ऐप्स को जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये सीधा हमें जो है यहाँ पर टीवी में देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम एक वीडियो चला कर देखते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि यहाँ पर हम ये वीडियो चलाते हैं, ये देखिए अब हमारी जो आवाज़ है वो सीधी जो है टीवी में आ रही है, हमारे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। इसी तरह से आप जो है कोई भी फोटो देखेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो आपके लिए जो है ये सीधी जो है टीवी में दिखाई देगी। आपके वीडियो अगर आप देखेंगे तो आवाज़ आपके लिए टीवी में ही दिखाई देगी, आप आवाज़ को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है किसी भी मोबाइल को एंड्रॉयड टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।